गाइस ये हम रोटी बेल रहे हैं, फटाफट बेल लेती हूँ मैं आज रोटी। खाना मैं बना रही हूँ, रोटी और सब्जी बनाएंगे। तो लगभग हमारे रोटी बेला ही किया। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो कैसा लगा नहीं लगा हमें कमेंट करके बताइए और सुझाव दीजिए भी। देखिए गाइस ये हमारा बेला गया और इसे हम लोहिया में ही बना रहे थे। ये हमारा लोहिया पहले से ही रोटी देखिए हो रहा है, पक गया। और ये रोटी से हम दो रोटी ले लेंगे। दो रोटी से होता है कि हाथ नहीं पकता है और जल्दी से ये देखिए कितना अच्छा से ये हमारा बन करके रेडी हो गया। इसी से अब दूसरा भी हम डाल देंगे, इसे भी उसी तरह पका लेंगे। गाइस ये हम कैंटीन से घी लाए थे जो 1 kg का है। इसका दाम है 500 रुपया। रहे नहीं है इसको, अरे हाँ वाह देख इधर पास से दिखा रहे गाइस देखिए। वैसे तो हम घर में ही घी बना लेते हैं लेकिन अभी तो गाय में इतना घी ही मलाई ही नहीं निकलता जो कि हम बना पाए। देखिए गाइस कितना टाइट कंटेनर है। और ये हम ओपन कर रहे, वाह कैसे निकालें। ये तो इतना मतलब टाइट होता है इससे हाथ भी कटने का चांसेस रहता है। तो गाइस ये हमारा आधा ही रिमूव करेंगे और आधा रहने देंगे। तो देखिए कैसे पानी के जैसे लग रहा है। और अभी ठंडा के टाइम में जस्ट देखिए घी कल ही मैं खरीद के लाई और ये मेल्ट नहीं है, ये जमा हुआ नहीं है। देखिए इसका स्वभाव है घी का जमना अंदर में, देखिए अंदर से जमा हुआ है। तो हो सकता है मैंने गैस के बगल में रखा इसलिए ये मेल्ट हो गया है। तो ये हमारा घी है। तो अभी अब हम इसे घी को अभी लगे ही रहिए ये इस घी में, कट नहीं करेंगे हम वीडियो। और इसे हम रोटी में लगा, ये हमें एक रोटी ले लिया और ये अच्छे से घी के साथ हमने डिप कर दिया। दो बूंद ही काफ़ी है लेकिन हाफ चम्मच टीस्पून, हम चम्मच धोया हुआ नहीं इसलिए हमने नहीं डाला। और हाथ से ही मैं ये देखिए गाइस बना दिए। और इसे हम तुतरू बनाएंगे। तो क्यों कट रहा है तुतरू के जैसे कट रहा है ये देखिए रोटी अपने आप। तो ये हमारा हो गया तुतरू गाइस। अब इसे हम इधर से काटे या इधर से काटे बच्चे को देते हैं खाने के लिए तो खा लेते प्रेम से। तो आप भी खाइए ये तुतरू बना करके रोटी। तो गाइस हम आज आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मेरे चैनल में बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो भी, ना आए तो भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले गाइस, और लाइक भी कर लेंगे और कमेंट भी करेंगे कैसा लगा। तो ये हमारा जो मटर हम इसको छील लेंगे। आलू भी मेरा बॉयल किया हुआ है। तो ये सारा देखिए 2 प्याज मैं ली हूँ, 2-3 मिर्ची, 2-3 नहीं है अपने हिसाब से ले लें। हमारा 5-6 मिर्ची है अंदाज से। मटर ये करीब ये 1/2 kg है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल। चलिए प्रोसेस हम चालू करते हैं, लेते हैं गाइस सबको। और टमाटर प्याज भी हम काट लेते हैं।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। गाइस, मैं भी खुश हूँ। तो चलिए, मैंने इस खुशी में मैंने आज आलू और मटर का सब्जी बनाई हूँ। तरह से ही आज ब्लॉगिंग का शुरुआत की हूँ। तो ये हमारा हो चुका है गाइस, और खांसी भी मुझे उठ गया क्योंकि इसका जो है रेसिपी कई झांस बहुत लग रहा है। बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बस सर भी खांस रहे हैं। तो ये हमारा हो चुका गाइस आलू मटर का सब्जी, बहुत ही टेस्टी है। और हम ये भात में भी खा लेंगे और रोटी में भी खा लेंगे, तो 2-in-1 हो जाएगा गाइस। मेरे चैनल बने रहे, इसके लिए आपको पूरी पूरी रेसिपी मैं डाउनलोड करूँगी इसमें आलू और मटर का। तो पूरा पूरा आप देखिए गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, बेल आइकन दबा देंगे गाइस। तो हो चुका हमारा खाना, हो चुका गाइस, आप भी खा लीजिए। और मैं रोटी भी बना ली हूँ क्योंकि मुझे शाम को कहीं जाना है। तो मैं देखिए अभी रोटी भी बना ली हूँ। तो हम चावल के साथ नहीं खाएंगे इसे, रोटी के ही साथ ही खाएंगे। तो वीडियो में बने रहेगा इसे, और आलू मटर का सब्जी आपको खिलाती हूँ, और खा लीजिए। रोटी भी रेडी है और सब्जी भी हमारा रेडी है। तो चलिए गाइस हम खाते हैं। ऐसे ये हमारा रहा खाना, आलू मटर का सब्जी।